बता दें अजरबैजान के साथ युद्ध में भारत का दोस्त देश आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र हार चुका है और अब नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा है, जिसके बाद से नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लाखों अर्मेनियाई मूल के लोग अपने घरों को छोड़ आर्मेनिया में शरण लेने पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच रविवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं में द्विपक्षीय संबंध, नागोर्नो काराबाख के ताजा हालचाल पर चर्चा हुई। बता दें भारत और आर्मेनिया लंबे समय से दोस्त हैं। ऐसे में आर्मेनिया की हार को भारत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आर्मेनिया ने हाल के कुछ वर्षों में भारत से बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद की है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लेकर 155mm के TC-40 होविट्जर भी शामिल है। हालांकि आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के आक्रमण के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान की जीत को तुर्की और पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है। पिछले हफ्ते अजरबैजान ने तुर्की के समर्थन से नागोर्नो काराबाख एनक्लेव पर आक्रमण किया था। नागोर्नो काराबाख को अटार्क गणराज्य भी कहा जाता है, जहां आर्मेनियन मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अजरबैजान के कब्जे के बाद अटार्क गणराज्य की सरकार को भंग कर दिया गया है और वहां की सेना ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। आपको बता दें कि आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर को पिछले साल की सर्दियों से अजरबैजान ने बाधित कर दिया था। इसके बाद से ही नागोर्नो काराबाख से आर्मेनिया का संपर्क टूट गया था। इससे नागोर्नो काराबाख में भोजन की गंभीर कमी हो गई। साथ ही नागोर्नो काराबाख को होने वाली बिजली और गैस की आपूर्ति भी ठप हो गई थी। ऐसे में नागोर्नो काराबाख के नागरिकों के सामने अब आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं था। और एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस समय रूस यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई है, वहीं दुनिया के शक्तिशाली देशों ने जुबानी सांत्वना देने के अलावा आर्मेनिया के लिए कुछ नहीं किया है। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद पैदा हुआ आर्मेनिया शुरू से ही अपनी रक्षा को लेकर रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है। ऐसे में उसके पास आर्मेनिया पर ध्यान देने का समय नहीं है। इसके अलावा इसका दूसरा कारण ये भी है, अजरबैजान जिस वैश्विक गठजोड़ का हिस्सा है उसके साथ रूस के अच्छे संबंध है। ऐसे में रूस एक छोटे से कमजोर देश के लिए अजरबैजान की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। वहीं आर्मेनिया का सहयोगी ईरान भी इस संघर्ष से दूर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख के सभी शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।